स्पेसिफिक हीट्स हमने पहले भी डिस्कस की थी। स्पेसिफिक हीट अगर मैं छोटा सी लिखता हूं तो वो स्पेसिफिक हीट है, लेकिन अगर मैं बड़ा सी लिखता हूं तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट है। मैंने फॉर्मूला करवाया था क्यू इज इक्वल टू छोटा एम सी डेल्टा टी, तो ये स्पेसिफिक हीट है। और अगर मैं लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। ये किया था बड़े सी और छोटे सी में, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या अंतर है। जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कैपिटल सी और सी में कैपिटल मास का अंतर है बस, क्योंकि कैपिटल है मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास से पर ग्राम को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मोल्स बन जाएंगे। तो स्टेप समझ में आ रहा है, एक तो ये फॉर्मूला मैं यूज किया करूंगा बड़े सी और छोटे सी को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो क्या करेगा वो न्यूमेरिकल में छोटे सी में पर ग्राम दे देगा, मुझे चाहिए होगा पर मोल, तो कैपिटल है मुझे गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा एक। अब बात वो नहीं है, आपने वो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स है, सीपी एंड सीवी। सीपी का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बस आपने मुझे एक चीज का आंसर देना है, सीपी बड़ा है कि सीवी बड़ा है। सीपी बड़ा है, अच्छा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या, सीपी माइनस सीवी इज व्हाट, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। चलो फिजिक्स वालों के सिलेबस में तो है, हम तो करेंगे। अच्छा चलो ये ये तो बता दो सीपी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसा क्यों बोला जाता है सीपी ग्रेटर देन सीवी, बड़ा क्यों होता है, लॉजिक है। चलो ऐसे समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे समझते हैं, ज्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स को खोलते नहीं है, बड़े सिंपल सी बात करता हूं मैं आपके साथ। पहली चीज आप बस मुझे ये बताओ, एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में ये पिस्टन लगा हुआ है और ये गैस है। किसी ने कहा, गैस ने कहा सर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, मैंने कहा कर देते हैं बोल कितना, डेल्टा टी कर देते हैं, तो क्या देनी पड़ी, हीट। तो ठीक है मैंने इसको हीट दी, हीट दे के मैंने हीट दी इसमें मान लो 10 जूल, और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो गया। चलो ठीक है सही है समझ में आया, पर इसका जो पिस्टन था वो मूवेबल नहीं था, गैस ने इसको बंद किया हुआ था, चिपका हुआ है, तो यानी कि एक्सपेरिमेंट हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट हुआ। क्लियर है यहां तक, तो ठीक है बात खत्म हो गई। फिर सेम कंटेनर है, वही गैस है, इस बार गैस कहती है सर फिर से मेरा टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दो, मैंने कहा ले अभी कर देते हैं, पहले भी तो किया, तो पहले कैसे किया, बाय गिविंग अ हीट ऑफ 10 जूल, मैंने कहा ये ले 10 जूल की हीट ले टेम्परेचर गर्म कर, वो कहते हो नहीं पाया, मैंने कहा वो क्यों, कहती पिस्टन इस बार मूवेबल है, चिपका नहीं हुआ। अब मूवेबल का मतलब क्या है, मूवेबल का मतलब है कि इसमें से 2 जूल का वर्क डन पिस्टन पे लग गया, और पिस्टन के ऊपर जो वर्क डन हुआ इससे पिस्टन ऊपर उठ गया। तो यानी कि वो कह, ये देखो आपने मुझे 10 तो दिया सही है, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, गैस कहती है कि मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 10 जूल हीट चाहिए, आपने दी, पर प्रॉब्लम ये है कि 2 तो चली गई पिस्टन के पास, तो मेरे पास तो 8 रह गई ना, तो मेरा टेम्परेचर उतना इंक्रीज तो हो नहीं पाएगा। और अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर कितना हो सेम हो, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, 12 जूल। 12 जूल देंगे तो 2 जूल तो बेकार हो गई पिस्टन को ऊपर उठाने में, 10 जूल चली गई गैस के पास,
इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस. हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर किसी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, समझो उसका टेम्परेचर बढ़ गया. सिंपल है, क्लियर है यहां तक? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई तो टेम्परेचर बढ़ गया. तो अब गैस, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे स्टेडी स्टेट में धीरे धीरे. इस धीरे धीरे को फिजिक्स में बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. बहुत रेयर टर्म है ये. पूरी किताब में, मतलब अगर 2000 पेज की किताब है तो एक शब्द लिखा हुआ क्वाजी स्टैटिक एक ही बार किताब में. और मेंस वालों ने ये वर्ड यूज किया इन अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. तो क्वाजी स्टैटिक मतलब स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, जिसके अंदर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन प्रेशर कॉन्स्टेंट है. धीरे धीरे उठाना, प्रेशर कॉन्स्टेंट करके, तेज नहीं करना. तेज कर देंगे प्रेशर एकदम गिर जाएगा. तो ऐसे केस में मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ी एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कॉन्स्टेंट सीपी कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ चल रहा है, सीवी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है. अब प्रेशर कॉन्स्टेंट में ज्यादा हीट क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किसमें चला जाता है? पिस्टन को ऊपर करने में. ठीक है यहां तक? तो एक लॉ है फिजिक्स में, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, डी यू टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और डी डब्ल्यू का क्या हो गया? वर्क डन. देखा है ये? देखा है डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो आपको ऐसे फील नहीं हो रहा हम कहीं थर्मो स्टार्ट करने जा रहे हैं? इसके बाद हो रहा है, अब आ रही है फीलिंग. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन. तो समझ में आ रहा है यहां तक? और बेसिक लॉजिक समझ में आया कि सीपी बड़ा क्यों है सीवी से? कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हमेशा ज्यादा काम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन पे कोई काम करना ही नहीं है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे पिस्टन में काम करना है. कोई डाउट इसमें? ठीक. अब इसकी डिटेल, सीपी माइनस सीवी आर क्यों होता है, ये अगली बार कराएंगे. इस टॉपिक को खत्म करेंगे.